नहीं इधर आओ जल्दी आओ, ये देखो वही जो जो होती है ना डेड बॉडी, इसको पानी में डुबा के लाते हैं गंगा जी में। कोई मंत्री जा रहा है, पूरी बोट सजाई हुई है भाई मंत्री के लिए। पीट होगी, मार पीट होगी, भागे भागे कह रहा गाड़ी टो हो गई। क्या बिल्डिंग है बॉस। तो भाई आ गए हम बनारस। तो भाई अब सारे निकल रहे हैं यहाँ से। अम्मा जी चले मुर्दे देखने चलो। चलो आज आपको घुमा के लाया, आरती आरती करते। तो भाई इस होटल में मैं रुका हूँ। तो भाई ये रिसेप्शन है आगे। किस नाम से होटल है भाई अपना? राजकुमार पैलेस है, राजकमल पैलेस। तो भाई यहाँ का खाना ये बन है, रूम ये बन है। तो भाई किसी को आना है तो भाई यहीं रुकना है। मैं तो हमेशा यहीं रुकता हूँ, पहले से बुकिंग कराया तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है यहाँ की बुकिंग कराने का। क्योंकि भाई यहाँ से ना सारे घाट पास ही हैं। देखो होटल राजकुमार पैलेस पूरा बड़ा है। भाई यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है, गाड़ी में एसी फुल कर रखा है भाई, फिर भी ठंडा नहीं कर रहा भाई, है ना। इतनी गर्मी हो गई है। टेम्परेचर देखो 29 दिखा रहा है, बट मेरे ख्याल से 33-34 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ। तो भाई यहाँ पे ना एक ऐसा पुल है, ऊपर लोग चलते हैं नीचे ट्रेन जाती है। तो उस वाले पुल पे ना ऊपर लोग चल रहे हैं, अभी नीचे से ट्रेन आने वाली है, अभी जा रही थी उस साइड से दिखी है मेरे को। चढ़ गया अपन पुल पे भाई, कितना सुंदर है ना अम्मा। देखो ये सारे घाट लाए, ये ओम घाट है, ओम घाट। तो हमारे नीचे अभी ट्रेन जा रही है करेंटली भाई, इतना मजा आ रहा है भाई। सीन ये देखो, पहले जो हम रुके थे निर्वाणा टेंट, वो उस जगह रुके थे खाली मैदान में, बनते हैं वो सीजनल होते हैं भाई, है ना। जैसे पानी का लेवल ऊपर आता है ना, वो टेंट वेंट गायब करके भाग जाते हैं। और बहुत कॉस्टली होता है, मतलब 15-20-25 हज़ार रुपए का पर नाइट। भाई ये देखो कितनी सुंदर जगह, पीछे तक घाट ही घाट है ये देखो। तो भाई यहाँ पे ऐसा है, मतलब जैसे हमने काशी लिखा ना, तो भाई गूगल पे एक काशी नाम के मंदिर के भाई 50 मंदिर है भाई, 50। हम पहले पीछे मंदिर पे चले, फिर उस मंदिर पे, मतलब मेन बड़ा वाला मंदिर पे पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि इतनी सारी गूगल लोकेशन है। मणिकर्णी का घाट है तो उस नाम से इन्होंने मंदिर भी बना दिया, पान वाला भी बन गया, केक कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, तो 10 लोकेशन हो गई है उस चीज की, उस शब्द की। बनारस में ना आप चारों तरफ से मुर्दों का सामान देखोगे और लाशें देखोगे, ऐसे ट्रियों में लाशें वाशें जाती रहेंगी। अभी दिखाऊंगा मोक्षधाम के आसपास, ऑटो में लाशें दिखेंगी, बसों में लाशें दिखेंगी, 24 घंटे लाशें आती जाती रहती है। बहुत बड़ा वो है, मोक्ष मिलता है ना लाशों को, अगर यहाँ कोई मरता है ना और यहाँ आत्मा आपको जलाएंगे तो आप सीधा स्वर्ग में जाते हैं। भाई कलेश हो गई यहाँ तो गाड़ी के पीछे, भाई बवाल हो गया है भैया। सबसे लड़ते हो ऐसे गाड़ी के चक्कर में? भाई बौखला गए, यहाँ भीड़ी भीड़ हो गई। यहाँ से अपन 5 की सवारी करके आएंगे भाई, यहाँ तो इतना बवाल हो गया जैसे इनकी किडनी मांग लियो भाई, सारे लड़ने आ गए। मैंने कहा ऐसे लगा तो जैसे वो गाड़ी लगी, नहीं ऐसे ही लगाओ, ऐसे ही लगाओ। अब खाली बेच रहा है, दुकान खाली पड़ी है। सर फट गया भाई, इतनी भीड़ है चीज देखो। ए खाली रोड पे क्यों बजा रहे हो यार, खाली रोड पे क्यों बजा रहे हो भाई सर? हेलमेट कहाँ है भाई साहब? जान प्यारी नहीं है, हेलमेट कहाँ है? ये देखो भाई भीड़, अंत भीड़ है भाई। चले भाई ये रिक्शा, इसमें मैं बैठा हूँ, इसरो सवारी भाई। आज रिक्शे ही बहुत छोटे छोटे से, बैठ भी नहीं पा रहा मैं। आगे अपन ये देखो, ये सामने मंदिर है, बट यहाँ ना बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो मोबाइल दवा बंदूक माचिस चाकू कुछ भी नहीं है। बट मेरे पे तो भाई सुन, ओए भाई सौदा रखा है मेरे पे, हाँ ये वाला सौदा। तूने चला दी तो काशी विश्वनाथ आ गए। तो भाई साहब पूछते भाई क्या मान्यता है मंदिर की, क्या लोग आते क्यों है, इतना प्रसिद्ध क्यों है मंदिर? बाबा का पुराना मंदिर है, इसी से लोग आते हैं। और कितने साल पुराना है? कम से कम 100 साल ही पुरानी होगी। 100 साल पुरानी है, उनको जितना अनुभव है उतना बता रहे, 100 साल से कम नहीं होगा। हाँ। और कॉरिडोर बनने की वजह से और भीड़ यहाँ होता है। तो भाई डेली मतलब 3 से 4 लोग लाग यहाँ पे विजिट करते हैं। और इस जो मंदिर ये नया बनाया अभी योगी जी ने, मोदी जी ने बनवाया लॉकडाउन में, तो ये 50,000 स्क्वायर फीट है, मतलब उससे ज्यादा ही। तो यहाँ इसकी कैपेसिटी की एक दिन में करीब 10 लाख बंदे आ सकते हैं इस मंदिर। यहाँ भाई अलग ही लेवल का स्कैम है, लॉकर फ्री है लेकिन संभाल लो,
अगर सामान नहीं लोगे ना तो लॉकर नहीं दे रहे। तो मैंने 20 रुपए की कोई माला दे दे रख लेता हूँ। नहीं पूरी माला लो, पूरा सेट लो भैया। खाली लॉकर दे दोगे क्या? खाली लॉकर? अच्छा ये लेंगे जब ही दोगे लॉकर। कॉम्बो चल रहा है, कॉम्बो। अरे यार खाली लॉकर दे दो, पैसे ले लेना। तो भाई अभी हमारे दर्शन हो गए थे बिल्कुल ओके की रोड पर, अंदर फोन ले आने नहीं दिया। आ जाओ इधर आ जाओ। तो अब मणिकर्णिका घाट के लिए यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा दर्शन कैसे हुए? दर्शन कैसे हुए? सबसे बढ़िया क्या लगा आपको? अरे मुझे शंकर सा अच्छा है बाबा। अच्छा हाँ। तो भाई अभी क्या है, इन्होंने जो मस्जिद थी ना जो टूटेगी कुआं में है ना? हाँ कुआं में। तो बेसिकली क्या है, मतलब जो मस्जिद है ना जो टूटने वाला, उसके अंदर जो मूर्तियां निकली थी उनके दर्शन भी चालू हो गया। तो हम मस्जिद के अंदर जाके भी आए, दर्शन भी करके आए। घुसेड़ दे भाई, मार दे, यही रह गया अब जिंदगी में। तो भाई बनारस ना गलियों के लिए जाना आता है, यहाँ बस ऐसी ऐसी गलियां हैं। तो ये देखो भाई होली रखी है इन्होंने, सही है यार, अच्छी लगाई है ना, बढ़िया लगाई है ना। मैं भाई यहाँ तो छोड़ देते। हाँ क्या हाल है मेरे भाई, कैसे? अरे मेरी जान, समझ गया वो तो मैं। तो भाई यहाँ आए और लस्सी नहीं पी, बढ़िया बढ़िया। तो भाई घाट जस्ट नीचे वहाँ के पास की लस्सी पी रहा हूँ मैं भाई। तो ये बहुत फेमस लस्सी है भाई साहब की। कितने साल हो गए भाई साहब यहाँ? 125 वर्ष, मतलब सारे दांत यहीं गिराए तुमने। तेरी है। तो भाई ये आ गई अपनी लस्सी भाई, एक नंबर बनाई है भाई। भाई तुम्हारे हाथ में जादू है, दिल्ली चलो तुम, या तुम्हारे हाथ काट के मैं ले जाता हूँ। आपको कैसी लगी मेरी लस्सी? जो हमने अमृतसर में पी थी उससे भी अच्छी थी। तो भाई ये देखो गाय भैंस और ये सब है भाई, पानी का कुंड भी है बेचारों का। लेकिन हाँ हाँ सही सही, बकरियां भी हैं भाई। आ जाओ भाई आपको ऊपर से नजारा दिखाता हूँ। ये सारी लकड़ियां, ये देखो थैली वैली सब रखी हुई है भाई। आ जाओ अम्मा आ जाओ, ये देखना अम्मी, ये देखना वो। नहीं इधर आओ जल्दी आओ, ये देखो भाई साहब। भाई इतनी लाशें जलती हैं, ये देखो अंग्रेज आए हैं, ये उसकी हिस्ट्री कर रहे हैं। पे नजारा देखो भाई दूर तक का कितना बढ़िया है। वाह भाई वाह, सुकून मिलता भाई यहाँ के। उधर वाइट डेजर्ट सा है पूरा। हिस्ट्री क्या है, मतलब जो शिव जी की वाइफ थी माता पार्वती, वो एक बारी कुंड में नहा रही थी तो उनकी एक बाली गिर गई थी। तो उस बाली में कहते हैं मणि थी। हाँ तो उन्होंने बोला सब ढूंढ के ला, तो सब ने ढूंढा लेकिन किसी को मिली नहीं। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि यहाँ की आग कभी बुझेगी नहीं और यहाँ से मोक्ष प्राप्त होता है या कोई जलता है तो। हाँ ये देखो भाई, वो देखो लाश जा, एक वो जा रही है वो देखो, और एक लाश ये जल रही है भाई। ये देखो मुंह देखो भाई उसका मुंह। अभी अपन जा रहे हैं घाट पे आरती देखने। तो ये ऐसा था मणिकर्णी का घाट, और जो ज्योति जलाते जो लाश जलाते हैं ना भाई, उसको रात यहाँ से लेते हो करीब 600-700। भाई ये देखो भाई ये आगे जो चलती है 2400 घंटे यहाँ पे, वही जो जो होती है ना डेड बॉडी, इसको पानी में डुबा के लाते हैं गंगा जी में, फिर इसको जलाते हैं। अच्छा लग रहा है ना, कितनी पॉजिटिव वाइब्स है ना। निचोड़ते यह एक बार मौसम देखो। हाँ टेढ़ी, हाँ वो देखो टेढ़ी रखी हुई है ताकि वो निचुड़ जाए। कितनी पवित्र जगह है ना, देखना बहुत सुंदर जगह है ना। तेरा मम्मी को लीला अच्छा करा, लेकिन भाई बहुत सुंदर है। भाई मेरी हालत तो एकदम खस्ता सी हो गई, मैं कमर अकड़ गई है भाई बहुत जोर की। तो अभी अपन सारे ना आरती देखने टाइम हो गया, शाम को ना सब आरती देखने आते हैं। तो ये घाट है, दो दिन का मेला फिर भी अकेला। अम्मा की तो सिट्टी विट्टी खुल हो गई है यहाँ पे लाशों को देख देख के। तो ये देखो भाई कितने लोग फोटो वीडियो बना रहे हैं। तो मैं क्या कहना चाहूँगी इस मंजर के बारे में, कुछ दो शब्द दो। देखो ये फ्रंट व्यू है भाई,
और पूरे पीछे तक घाटे भी चलेंगे, बोट वाले भैया घुमा के लाएंगे अपने को। देखो सारे अंग्रेज आ रखे हैं और कितनी लकड़ियां हैं भाई, पीछे तक लकड़ी की लकड़ियां दिखेंगी आपको। अम्मा कितनी लकड़ियां हैं बोटों में, भर भर के लकड़ियां, पीछे तक लकड़ियां। वो देखो वो टेढ़ा मंदिर है, वो 4 महीने पानी में रहता है क्योंकि टेढ़ा और ऊपर तक पानी आ जाता है। मसान में ही, हाँ यहाँ ये नीचे छोटे छोटे मंदिर है ना, ये देखो वो रे अगोरी बाबा, ये देखो। अच्छा ये अगोरी बाबा लाश को खाते हैं रात को, हैं तुमने खाते देखा है? खाते देखा तुमने? अच्छा वो मतलब उठा के ले जाते हैं चुपचाप, हैं? अच्छा जलती में से उठा के ले जाएंगे, जलती हुई में से तो जो आधी जली राश जो रह जाती है। कोई मंत्री जा रहा, पूरी बोट सजाई हुई है भाई मंत्री के लिए और सिर्फ 3-4 जने हैं भाई पूरी बोट पे। तो भाई समुद्र में मतलब नदी में ना भगदड़ सी मच जाती है जब आरती होती है ना और जब खत्म होती है। तो ये देखो हॉर्न मारते हुए सब भाग रहे हैं आगे, ये देखो पीछे से भी इतनी बोटें आ रही हैं। तो भाई यहाँ पे चलती है स्पेशल बोट, अगर आपको स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट करें, बड़ी क्रूजे चलती है, मैंने पिछली बार ब्लॉग बनाया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा क्रूज का। हाँ इसमें चाय कॉफी सब मिलती है ना। तो भाई ये देखो ये बड़ी बड़ी क्रूज है, कितने की टिकट है भाई इसकी? 1200 की है। तो भाई बड़ी बड़ी क्रूज है, अलकनंदा में इसमें गए थे, नहीं नहीं ऊपर वाली में गए थे हम, पीछे वाली में। अच्छा, उसमें ऊपर ओपन था याद है? हाँ पीछे वाली थी ना। हाँ तो ये चीज। तो भाई अब ये घाट के किनारे आ गया अपन, ये देखो ढकेल भाई मेरे घोटे में घुट जाइए यहाँ को। देखो भाई मोबाइल को सेल्फी स्टिक लगा रखा है, फिर रिंग लाइट लगा रखी है तेरी। ओ भाई अभी अपन आरती आ गए आरती में, तो भाई देखो कितनी भीड़ है यहाँ, दिक्कत हो गई गुस्सा करके खड़े हो गए कैसे कैसे हो, क्या हाल है भाई कैसे हो? वहाँ एक सब्सक्राइबर है तो उसने बैठने की जगह दे दी है, तो मेरी मौसी और नानी वो बैठी है, देखो आ रहे तो मेरी मम्मी जा रही है आगे बैठने, बट ठीक है मेरे को खड़े होके आरती करनी है, मैं खड़े होके कर रहा हूँ। पीट होगी, मार पीट होगी भाई, धक्का मुक्की होगी भाई इस आदमी और उस औरत में। भाई हमारे वो सब्सक्राइबर भाई आ गए आरती, अब तक ये खड़े रहे एक सेल्फी के लिए भाई। भैया सनातन धर्म की जय तेरी। भाई मैं यहाँ देख रहा हूँ आंध्रा के बंदे बहुत आ रखे हैं। कहाँ से हो? आंध्रा? आंध्रा हरी आंध्रा के भाई, यहाँ आंध्रा के क्यों आते हैं ज्यादातर? साउथ के ज्यादा आते हैं। कैसी लगी आरती? बढ़िया लगी, मजा आ गया। हाँ मजा आया आपको? कैसी लगी? मतलब अलग ही लेवल की पवित्र चीज थी है ना। तो भाई मैंने अभी स्टोरी डाली ना तो सब्सक्राइबर देखो सारे ऊपर खड़े हैं, सब्सक्राइबर आए स्टोरी देख के, इसलिए मैं स्टोरी डालता ही नहीं भाई। ये देखो सारे खड़े हैं, ये देखो सारे परेशान। हाँ देखो भाई सारे भाई आ गए अपने, सारे बनारस के हो? कमाल है कमाल। अच्छा बिहार से हो? तो भाई बाहर निकलते टाइम इतनी भीड़ है भाई, हालत ही खराब हो गई। अम्मा इतनी भीड़ देखी अपने लाइफ में? सबसे ज्यादा अपने लाइफ में अपनी भीड़ कहाँ देखी है? यार मथुरा में दो जगह पी रहे हैं फेमस मैंगो शेक, ये देखो भाई। चीयर्स चीयर्स। तो भाई ये संदीप मैंगो शेक है भाई, बहुत फेमस है, टोपी लगा के भाई 24 घंटे बनाता रहता। भीड़ देखो भाई कितनी भीड़ है यहाँ पे। अभी अपन रिक्शे से जा रहे हैं, गाड़ी पे मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और गाड़ी में बैठ के देखेंगे भाई क्या करना है, क्या है जबरी यहाँ रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। बोल भाई। हाँ तेरी।
अक्षत को गाड़ी दी गई, भागे भागे कह रहा गाड़ी टो हो गई। कहाँ भाग गया था भाई? वहां से भागे भागे वहां तक भाग गया। कह रहा है फोन करके कहता, मम्मी कहता टो हो गए और आगे तक भाग गया। इसको सस्ते नशे कर रहे हैं भैया, जो तुम करते हो ना वो ये करने लग गया है। भाई यहाँ का जाम तो अंत ही है, भैंस क्या खत्म ही नहीं हो रहा भाई। डेली लगता है के? हमेशा जिंदा क्यों, भग जाओ यहाँ से। तो भाई अभी ये कुछ खाने वाने का मार्केट है, या लाइन से ना खाने की दुकानें है। ये देखो पीछे तक लाइन नहीं दिखानी थी, तो मेरा तो मन था बड़ा पाव। बड़ा पाव मक्खन वक्खन लगा के बना रहे हो भाई? तो भाई आगे BHU में, और यहाँ अंदर एक मिलता है शेक। BHU यूनिवर्सिटी है भाई, बहुत तगड़ी यूनिवर्सिटी है। मेरा बड़ा मन था एडमिशन लेता। अरे है चल रही है आज की भाई। ये शेक वाला तो बंदा भाई पोपट हो गया भाई। तो भाई अभी मैंने एक यूनिक चीज देखी, वेज कबाब पराठा। ये वेज है भाई, किससे बनता है? सोयाबीन से। अच्छा अच्छा, सोयाबीन मिक्स दाल से बनता है। ये पराठे बन रहे हैं रुमाली रोटी की तरह, और वहाँ सोयाबीन है। तो देखते हैं भाई खा के कैसा प्लेट ऐसे देते हैं ऊपर डाल के, बट मैं तो डिस्पोजेबल में ले रहा हूँ। ये आ गई अपनी प्लेट कबाब की, तो ये खा के देखते हैं। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। ओके तो भाई सरप्राइज, ये कबाब है। नहीं नहीं नॉन वेज कबाब खिलाओ, लो खाओ। अरे नॉन वेज कबाब है। अरे तो कबाब ही तो है, क्या हो गया? अरे वेज कबाब है, मजे ले रहा हूँ। अरे सोयाबीन का कबाब है। अरे दे रही हो मुझे, वहम बैठ गया भाई। अरे नाम कबाब है भाई, लाया हूँ भाई आप ही के लिए लाया हूँ, खाओ तो। नहीं पहले खाओ, टेस्ट करो। नहीं अरे भाई वेज है, लो मैं खा लेता हूँ। लो ये देखो सोयाबीन का है भाई। अरे अद्दोगी यार। अरे नहीं पंडित है यहाँ सारे भाई, पंडित ने बनाया है। मैं मिलवा दूँ, और सब्सक्राइबर भी था मेरा। तो अम्मा को आधे घंटे भरोसा दिलाया तब जाके खा रही है, अब तो भरोसा है नॉनवेज नहीं है। तो मेरी अम्मा बहुत वहमी, मेरी मम्मी बहुत वहमी, मतलब दूर से भी चिकन दिख रहा होगा ना भाग जाएंगी। उस रेस्टोरेंट में भी नहीं खाती जिसमें नॉनवेज बन भी रहा हो, चाहे अलग अलग बना हो, उसमें खाएंगी घुसेंगी नहीं। तो भाई मेरा जो होटल था, होटल राजकुमार पैलेस, इसमें मैं रुका हूँ। और इसी के नीचे हमारे ना पंजाबी तड़का वेज रेस्टोरेंट है। ये हमारा खाना पूरा रेडी है, और इनकी किचन ना बहुत बड़ी, और यहाँ बहुत लोग आते हैं खाने। भाई ये देखो खाना लग गया है, बहुत टेस्टी खाना है भाई, स्पेशली इस रेस्टोरेंट का। तो कब से खोला हुआ है आपने ये रेस्टोरेंट? पिछले 10 से 11 साल से चल रहा है। तो भाई स्पेशली ये पनीर है, और ये देखो पंजाबी, जैसे पंजाबी में सारा मेन्यू होता है। ये देखो मेरी फेवरेट मशरूम है, और ये दाल तड़का है, ये देखो। और ये दाल मखनी है भाई, बहुत तगड़ी है। तो भाई अब आ गए अपन रूम में, और पूछते नानी से कैसा लगा अम्मा आपको ये हो। तो काशी, तो काशी में कैसा सीन था? मतलब यहाँ भूत नहीं बनते आदमी मरने के बाद? आदमी भूत नहीं बनता क्या मरने के बाद? मुक्ति हो जाती डायरेक्ट। तो भाई तगड़ी चीज़ थी भाई, मैंने अपनी लाइफ में कुछ पहली बार ऐसे एक्सपीरियंस करा।